दोस्तों ये कहानी ऐसी लड़की की है जो हर अगले दिन अलग अलग लड़के के साथ एंजॉय करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे ये सब करने से मना करता है। लेकिन उसकी वाइफ उसके किसी भी बात को नहीं मानती है। इस वजह से वो उससे परेशान होकर उसके सभी नए बॉयफ्रेंड को मारने लगता है और उन लोगों को किस तरह से सजा देता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ कपल को देखते हैं जिनका नाम विक और मेलिंडा होता है। वो दोनों आज किसी दोस्त के घर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। तभी मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे हील पहना दोगे, जिस पर विक खुश होकर हील को पहनाने लगता है। मेलिंडा विक से कहती है कि तुम्हें शायद पता होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन विक मेलिंडा को कोई भी जवाब नहीं देता है और वो कहता है कि चलो चलते हैं। इसके बाद ये दोनों पार्टी पर जाते हैं जहाँ पर मेलिंडा को उसका एक पुराना फ्रेंड जोएल मिल जाता है, जिसके बाद वो विक को छोड़कर उसके साथ बिजी हो जाती है। विक अपने फ्रेंड से बात करने के बाद मेलिंडा को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि स्विमिंग पूल के पास मेलिंडा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है और वो उसे किसी भी कर रही थी। अब ये देखकर विक को दुख तो होता है लेकिन ज्यादा शोक नहीं होता है। वहीं विक के फ्रेंड कहते हैं कि शायद तुम्हारी वाइफ और जोएल के बीच कुछ रिलेशनशिप चल रहे हैं, लेकिन विक उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है। इसके कुछ देर होने के बाद मेलिंडा पियानो को बजता देख बहुत खुश हो जाती है, जबकि कुछ देर पहले उसकी वाइफ किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जोएल और विक आपस में बात कर रहे होते हैं। जोएल विक से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो जो कि अपनी वाइफ के पर्सनल लाइफ में नहीं हो, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसकी वाइफ किसी के साथ कुछ भी करे। फिर विक बताता है कि शायद तुम्हें पता होगा कि कुछ दिनों पहले मेलिंडा का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम मार्टिन था, लेकिन अब वो इस टाउन से गायब है और मैंने ही मार्टिन को मार दिया है, और जो भी मेरी वाइफ के करीब आने की कोशिश करता है मैं उसे मार देता हूँ। अब ये सुनकर जोएल काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे पार्टी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम विक और मेलिंडा को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने विक को धमकाया था जो वो पार्टी छोड़कर चला गया है, जिस पर विक कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग विक और मेलिंडा को उनके घर पर देखते हैं। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम ट्रिक्सी था। ट्रिक्सी की देखभाल करने के लिए बेबी सिटर को रखा गया था। फिर एक दिन मेलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपना टॉप उतार देती है, जिस पर विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ थोड़ा सनकी है और वो ओपन माइंडेड है, तुम इस चीज पर ध्यान नहीं देना। इसके बाद विक मेलिंडा की बॉडी पर मसाज करने लगता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस और दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पर मेलिंडा कहती है कि वो उन लोगों को इंटेलिजेंस के लिए नहीं पसंद करती है बल्कि उनके साथ एंजॉय करने के लिए, और मेलिंडा विक को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहती है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक साथ नहीं सोते हैं और इन दोनों की लाइफ अंदर से पूरी तरह से बिखरी हुई है। विक ज्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारता है। उसकी बेटी काफी ज्यादा स्मार्ट थी, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट के लिए रोबोट बना रही थी और वो साथ साथ अपने मॉम डैड के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से समझ रही थी। अगले दिन विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी उसे ट्रिक्सी की स्कूल टीचर केली मिलती है जो विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो विक को बताती है कि मैंने सुना है कि शायद तुम आजकल मर्डर कर रहे हो। जोएल सबको बताता है कि मार्टिन को तुमने ही मारा है, तो फिर विक कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। केली कहती है कि तुमने चाहे मजाक किया हो या फिर कुछ भी, लेकिन तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया है और अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास भूलकर भी नहीं आएगा। और अब जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ भी उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी और वो कहती है कि शायद मुझे लगता है कि तुमने ही मार्टिन का मर्डर किया है। फिर कहती है कि तुम्हें जोएल से सॉरी बोलना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों जोएल को डिनर पर बुलाते हैं। और फिर डिनर होने के बाद मेलिंडा विक को ट्रिक्सी के कमरे में जाने के लिए कहती है, जिससे विक समझ जाता है कि मेलिंडा जोएल के साथ एंजॉय करना चाहती है, जिसके बाद विक अपनी बेटी के कमरे में आ जाता है। ट्रिक्सी अपने डैड से कहती है कि मॉम दूसरे लोग के साथ ऐसा क्यों करती है, मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ देर बाद विक देखता है कि उसकी वाइफ और जोएल दोनों ही मस्ती और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विक किचन में रखी प्लेट को जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। विक जोएल से कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी वोरी नहीं बोलने वाला हूं और मार्टिन का मर्डर भी मैंने ही किया था। जोएल
काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक मेलिंडा और अपनी बेटी को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसे डॉन नाम का एक राइटर मिलता है। वो बताता है कि उसने भी ये बात सुनी है कि तुमने ही मार्टिन को मारा था, लेकिन विक कहता है कि नहीं, ये तो केवल एक जोक था। पार्टी में जब विक अपनी फ्रेंड केली के साथ डांस कर रहा होता है, तभी मेलिंडा उसे देख काफी जेलस फील करती है और फिर वापस घर जाते समय मेलिंडा विक को इम्प्रेस करने लगती है और फिर घर पर दोनों ही इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा का पियानो टीचर चार्ली अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड बन गया है और वो इमेजिनेशन करने लगता है कि चार्ली उसकी वाइफ के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गया है और मेलिंडा शाम होने पर भी घर नहीं आई है, तो वो पूरी रात सोचते सोचते ही गुजार देता है। सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है तो विक पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और रात में घर क्यों नहीं आई। मेलिंडा विक को बताती है कि वो चार्ली के साथ थी और उसने उसके साथ क्या क्या किया है कि विक सुन भी नहीं सकता है। अगले दिन फिर से विक के किसी फ्रेंड के घर पार्टी होती है, जहाँ पर सभी बहुत खुश और एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर मेलिंडा का पियानो टीचर है, जिसे देखकर मेलिंडा तो बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके कुछ देर बाद जब विक को मेलिंडा दिखाई नहीं देती है तो वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चार्ली और मेलिंडा दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं और फिर कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और वहाँ पर भी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। अब ये सब देखने के बाद विक का पारा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके सामने ही किसी दूसरे पर्सन के साथ मजे कर रही है। फिर अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी घर के अंदर जाने लगते हैं। जब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं तो विक मौका देखकर चार्ली को पानी के अंदर ही डुबा कर मार डालता है और फिर अंदर आ जाता है, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। इधर मेलिंडा को चार्ली काफी देर से दिखाई नहीं दिया होता है, तो वो उसे सभी जगह पर ढूंढने लगती है। जब वो खिड़की को नीचे की तरफ देख रही होती है, तभी उसे स्विमिंग पूल पर चार्ली मरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो काफी तेजी से आवाजें करने लगती है। फिर सभी लोग मिलकर चार्ली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर की टीम आती है और वो उसे डेड घोषित कर देती है। पुलिस काफी छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए वो उस केस को एक्सीडेंटल समझते हैं। पर वहीं डॉन नाम का वो आदमी जो राइटर था, उसे विक पर शक होता है, क्योंकि उसने विक और चार्ली को स्विमिंग पूल पर अकेले देखा था। इसलिए डॉन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया होता है जो विक पर नजर रख सके। पर तभी एक दिन विक अपनी वाइफ को उसी आदमी के साथ बातें करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। लेकिन विक को पहले से पता चल गया होता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है और उसने ये भी पता कर लिया था कि उसकी वाइफ डॉन को भी पैसे दिया करती थी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर विक डॉन के घर जाता है और उस पर काफी चिल्लाता है कि उसका कोई भी हक नहीं होता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी वाइफ से कहे। अगले दिन विक देखता है कि उसकी वाइफ अब दूसरे नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, जिस बात से उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। घर में जब विक अपनी ही बेटी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, जिसमें वो सुनता है कि मेलिंडा अपनी बेटी ट्रिक्सी को लेकर ब्राजील जाने का प्लान कर रही है और टोनी के साथ वापस ब्राजील में रहने वाली है। अगले दिन विक देखता है कि मेलिंडा टोनी को घर पर बुलाया होता है और उसके साथ मजे और एंजॉय कर रही होती है। अब ये सब देखने के बाद विक इस चीज को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो अगले दिन टोनी को रास्ते में जाते हुए अपनी कार में पिक कर लेता है। इसके बाद विक टोनी को उस जगह से काफी दूर लेकर चला जाता है। अब दोनों कार से बाहर निकलते हैं और टोनी को आगे जाता देख विक उस पर एक पत्थर से अटैक कर देता है, जिसके बाद एक खाई से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। विक टोनी के बॉडी को एक पत्थर से बांध कर नदी के अंदर फेंक देता है। अगले दिन जब विक घर पर खाना खा रहा होता है, तभी मेलिंडा कहती है कि वो लोग काफी दिनों से हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए नहीं गए हैं, तो विक अपनी वाइफ और बेटी के साथ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने टोनी को मारा हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग काफी इंजॉय करते हैं और फिर मेलिंडा को अपने द्वारा ली गई तस्वीरों को दिखाने लगता है। मेलिंडा उन सभी तस्वीरों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम ही अकेले ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, और कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ।
अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विक को पता चलता है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है। वो उसे लेने जाता है तो उसे टोनी की बॉडी दिखाई देती है जो फूल जाने के किसी वजह से पानी के ऊपर आई थी। विक को लगता है कि किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वापस घर आने लगता है, लेकिन उसने आते समय जानबूझकर मेलिंडा का स्कार्फ वहीं पर छोड़ देता है। रास्ते में जब मेलिंडा अपने स्कार्फ के बारे में कहती है तो विक कहता है कि चलो वो कल ले आएगा। घर आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली सुबह मेलिंडा के उठने से पहले ही विक अपनी साइकिल लेकर हाइकिंग साइट पर चला जाता है। इधर मेलिंडा जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि विक वहाँ पर नहीं है और इसे ढूंढने लगती है। फिर तभी मेलिंडा को विक के रूम से टोनी का पर्स मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद उसने टोनी का भी मर्डर कर दिया है और वो फिर डॉन को कॉल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विक टोनी की बॉडी को पानी के अंदर दबा रहा होता है और तभी अचानक वहां पर डॉन आ जाता है और वो कहता है कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जिस पर विक कहता है कि वो मेलिंडा का स्कार्फ ढूंढ रहा है, जिस पर डॉन विक को स्कार्फ दिखाकर कहता है कि वो तो यहाँ है। फिर तभी वो विक को पानी के अंदर बॉडी को दबाते हुए देख लेता है। डर की वजह से वो वहां से भागने लगता है, जिसके बाद विक भी डॉन का पीछा करने लगता है। अब क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा खराब होने की वजह से डॉन कार को सही से चला नहीं पा रहा था, वहीं विक को उस एरिया के बारे में सही से परिचित होता है, इसलिए विक अपनी साइकिल से दूसरे रास्ते से डॉन को आगे से छेक लेता है। डॉन विक को बचाने के लिए गाड़ी को घुमा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे खाई में जाकर गिरता है और डॉन की भी मौत हो जाती है। इधर मेलिंडा काफी ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसकी बेटी उस बैग को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि वो इन दोनों को एक साथ देखना चाहती है और वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। अब थोड़ी देर बाद विक जब घर आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन मेलिंडा उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसे विक के बारे में सब कुछ पता होता है और उसे लगता है कि विक से ज्यादा उससे कोई भी प्यार नहीं कर सकता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे हॉलीवुड क्लाइमेक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।